बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज मायरा अमजद, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम मैथ्स ग्रेड 3+ में बच्चों को नंबर 13 का कंसेप्ट सिखाने जा रहे हैं, यानी कि हम बच्चों को सबसे पहले नंबर 13 की आइडेंटिफिकेशन सिखाएंगे, उसके बाद 13 ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना सिखाएंगे। जब बच्चा ये दो चीज़ें सीख लेगा, तब हम बच्चे को राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ लेकर जाएंगे, यानी कि 13 नंबर की फॉर्मेशन सिखाएंगे। तो चलते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने 12 तक काउंटिंग सीख ली होगी, लेकिन आज का हमारा नंबर 12 नहीं है, आज का हमारा नंबर है 13। जी, जैसे हमने 10 ऑब्जेक्ट्स में 2 ऑब्जेक्ट्स ऐड करके 12 बनाया था, इसी तरह अब हमने 10 ऑब्जेक्ट्स में 3 ऑब्जेक्ट्स ऐड करके 13 बना देना है ना आसान? बस तो सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि 13 कैसा दिखता है। जी, जब 1 के साथ 3 लिखा हो तो ये बनता है नंबर 13। जी बच्चों, ये है नंबर 13। अच्छा, आपने अच्छे तरीके से 13 को पहचान लेना है, और इसके बाद हम 13 ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना भी सीखते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सामने 13 ऑब्जेक्ट्स हैं या 12 ऑब्जेक्ट्स हैं? इसके लिए हमने सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग करनी है। तो अब हमने अपनी बुक के पेज की तरफ जाना है। देखो इस पेज को गौर से, ये क्या है? हाँ, ऑफिस बना हुआ है। ऑफिस के अंदर एक राउंड टेबल है, और उस राउंड टेबल के इर्द गिर्द चेयर्स पड़ी हुई हैं। जी, हमने क्या करना है? हमने देख के बताना है कि ये चेयर्स कितनी हैं। कैसे बताएंगे? काउंट करके बताते हैं। चलिए हम देखते हैं कि ये कितनी चेयर्स हैं और इस टेबल पे कितने मेंबर्स बैठ सकते हैं। ठीक है बच्चों, मेरे साथ काउंटिंग करो। हर चेयर के ऊपर आपने फिंगर रखनी है और उसे काउंट करना है। एक साइड से स्टार्ट करना है और घूम के हमने कंप्लीट करना है, क्योंकि राउंड है ना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। देखा बच्चों, 10 चेयर्स थी और उसके बाद 3 और थी, हमने उनको भी ऐड कर लिया तो 13 बन गई। अब बताओ इस मीटिंग में कितने लोग बैठ सकते हैं? 13, क्योंकि 13 चेयर्स हैं। हो सकता है पापा के ऑफिस वालों ने 13 मेंबर्स की मीटिंग रखी हो, इसलिए उन्होंने 13 चेयर्स रख दी। तो यहाँ पे सिर्फ 13 लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि आपने काउंट करके बताया है कि 13 चेयर्स हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? हम नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे। जी अच्छा बच्चों, यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो सारी ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रही हैं, इनको आपने काउंट करना है। पहले बैलून्स को काउंट कर लें, और कितने बैलून्स हैं ये काउंट करके इसके सामने लिख दें। इसी तरह आपने सारी ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है 1 by 1। हर ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फिंगर रखनी है और उसको प्रॉपरली काउंट करना है, बिल्कुल ठीक काउंट करना है। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट मिस कर दी तो आपकी काउंटिंग खराब हो सकती है, इसलिए आपने सही तरह से काउंट करके इसके सामने वो नंबर लिख देना है और पेज अपने टीचर को चेक करवा देना है, क्योंकि इसके बाद हमने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। जी जी तो बच्चों, काउंटिंग के बाद अब हमने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। चलते हैं राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ। आपको याद है ना, पहले आपने मेरे साथ प्री राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, प्री राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आपको 1 लिखना आता है? बिल्कुल आता है। और 3 लिखना आता है? जी, जब आपको 1 और 3 लिखना आता है तो 13 लिखना तो बहुत आसान है। चलें हम लोग पहले प्री राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। 13 लिखने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले 1 लिखना है। क्या करना है? 1 लिखना है, और 1 के साथ आपने 3 लिख देना है। ठीक है बच्चों, कैसे लिखना है 3? हाफ सर्कल
और उसके साथ दूसरा हाफ सर्कल। ओके बच्चों, वन लिखेंगे और फिर थ्री लिखेंगे और हमारा 13 बन जाएगा। इतना मुश्किल तो नहीं था 13। अच्छा, जब आपने प्री राइटिंग प्रैक्टिस कर ली तो आपने क्या करना है, अपनी बुक के पेज पर 13 को ट्रेस करना है और बहुत नीट नीट लिखना है, क्योंकि आपने प्री राइटिंग प्रैक्टिस कर ली है ना। अब आपने प्यारा सा लिख के अपने टीचर को चेक करवाना है और नंबर 13 को कम्प्लीट कर लेना है। जी तो डियर टीचर्स, आपने इसी तरह बच्चों को इन्वॉल्व करके सबसे पहले 13 की आइडेंटिफिकेशन सिखानी है। आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारी ये एक स्ट्रेटेजी थी कि हमने व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक बड़ा सा करके 13 नंबर लिख देना था, ताकि बच्चे उसको देखते रहें, विजुलाइज करते रहें, और एंड में जब वो घर जाएंगे तो उनके माइंड में नंबर 13 का एक प्रिंट होगा, उनको याद रहेगा कि हमने आज जो नंबर पढ़ा था वो 1313 था। और जब हम कॉन्टिन्यूसली रिपीट करेंगे तो बच्चों को याद रहेगा कि इस तरह का नजर आने वाला नंबर जो है वो 13 है। साथ ही आपने काउंटिंग प्रैक्टिस करवानी है, आपने ऑब्जेक्ट्स रखनी है, 10 प्लस 13 का कॉन्सेप्ट दीजिएगा बच्चों को। प्री राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप सैंड ट्रे का इस्तेमाल कर सकती हैं, बच्चों को कह सकती हैं कि वो अपनी कलाई पर लिखें, बच्चों के सामने जो बेंच या अपनी बुक पड़ी है बच्चों को आप कहें कि उसी के ऊपर अपनी फिंगर्स की मदद से 13 लिखने की प्रैक्टिस करें, या उनको कह दें कि वो हवा में आपके साथ इस तरह करके 13 लिखें। हवा में लिखने से भी बच्चों की प्रैक्टिस हो जाएगी। प्री राइटिंग प्रैक्टिस आपकी राइटिंग को स्ट्रॉन्ग करेगी, राइटिंग को नीट करेगी, इसी वजह से आपने इसको ज़रूर करवाना है। इसके बाद बच्चों को आप राइटिंग की तरफ लेके जाइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।